डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं रिफ्लेक्शन और लेंस से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो एक ही वीडियो में आपको एट ए ग्लांस डिस्क्राइब करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। सपोज ये एक सरफेस है, यहां N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये इंसिडेंट रे हो गई और हमें मालूम है सपोज ये सेंटर है तो सेंटर से पास आउट होने वाली लाइन नॉर्मल को रिप्रेजेंट करती है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब किया है। तो ये लाइट रे इस तरह से सीधी जाने की बजाय थोड़ा सा परपेंडिकुलर की तरफ डेविएट होगी, यानी इसका जो इमेज होगा वो इस जगह पर बनेगा। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, ये पोल होता है। इमेज की डिस्टेंस v, रेडियस ऑफ कर्वेचर r। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा n2 अपॉन v, n2 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, माइनस N1 अपॉन u इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन r, ये इसका फॉर्मूला होगा। और v u r ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे। जैसे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, v पोल से इस तरफ है यानी इस तरफ है, तो v निगेटिव होगा। u भी इस तरफ ले रहे हैं इंसिडेंट रे के अपोजिट, u भी निगेटिव होगा। r भी इस तरफ है, इंसिडेंट रे इस तरफ है, r भी इस फॉर्मूले में निगेटिव लिया जाएगा। यदि ये सरफेस इस तरह की कॉनकेव ना होकर कुछ इस तरह से होती है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रे, सपोज ये नॉर्मल है यानी सेंटर, तो N1 से N2 में यदि रे एंटर हो रही है तो इसका मीनिंग वो थोड़ा सा इधर डेविएट होगी, ये इमेज हो गया पोल, ये डिस्टेंस v, ये डिस्टेंस u। तो इसके लिए फॉर्मूला वही N2 अपॉन v माइनस N1 अपॉन u इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन r। लेकिन इस केस में u इंसिडेंट रे की ये डायरेक्शन है और p ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इधर है, इस तरफ है, नेगेटिव हो जाएगी। इंसिडेंट रे की ये डायरेक्शन है, इमेज की डायरेक्शन ये है, यानी p से i तक की ये डायरेक्शन होगी, तो v पॉजिटिव होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ होगा क्योंकि ये सेंटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसमें पॉजिटिव होगा। तो दोनों सिचुएशन के फॉर्मूले सेम होंगे लेकिन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यू वी और आर की वैल्यू डिफरेंट होगी। अब मैं आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला के बारे में बताता हूं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस केवल फॉर्मूला आपको बताऊंगा ताकि हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कर सकें। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, सपोज एक लेंस, वो लेंस चाहे कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू N2 अपॉन N1 माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। N2 रिप्रेजेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, N1
रिप्रेजेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। लेंस के अराउंड जो मीडियम होगा N1 उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। R1 R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, सपोज ये लेंस है, हम इसको इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि R1 कंसीडर कर रहे हैं तो ये सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम R2 कंसीडर करेंगे। V डिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल सेंटर फ्रॉम इमेज, U डिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल सेंटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यदि अराउंड द लेंस एयर मीडियम होता है तो N1 की वैल्यू 1 होगी, N2 को हम N ले सकते हैं, तो उस कंडीशन में यह फॉर्मूला होगा 1/V - 1/U = N2 becomes N - 1 1/R1 - 1/R2। 1/V - 1/U को हम 1/F लिख सकते हैं क्योंकि 1/V - 1/U = 1/F। दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन लेंस एंड दिस फॉर्मूला बिकम्स 1/F = N - 1 1/R1 - 1/R2। यदि लेंस के अराउंड एयर मीडियम होता है तो फॉर्मूला लेंस मेकर्स फॉर्मूला ये फॉर्मूला बन जाएगा। R1 और R2 दोनों ही के ही साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ले जाएंगे, यानी साइन कन्वेंशन में जैसे लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया है, साइन कन्वेंशन में अगर मैं इस R1 इस कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं और ये इधर से इंसिडेंट हो रही है तो R2 पॉजिटिव और R1 नेगेटिव हो जाएगा। इसकी वैल्यू डिफरेंट लेंस के लिए डिफरेंट हो सकती है। इसके बाद मैं बताता हूं लेंस मैग्निफिकेशन। एक लेंस को हम एज ए मैग्निफायर भी यूज करते हैं और एज ए मैग्निफायर यूज करने के लिए हमारी जो आई लेंस होता है वो आई लेंस ऑब्जेक्ट के इमेज को रेटिना पर बनाता है और रेटिना पर हम मैक्सिमम इमेज को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही बना सकते हैं। सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट को मैं जैसे जैसे पास लाऊंगा ये मैग्निफाई होगा, इसका इमेज हमारी रेटिना पर मैग्निफाई होता चला जाएगा, लेकिन मैक्सिमम मैग्निफाई हमारा आई लेंस 25 मीटर डिस्टेंस पर ही रखता है। उसके बाद इसकी इमेज ब्लर हो जाएगी, यानी जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमारे आई लेंस का माना जाता है वो 25 सेंटीमीटर पर ही माना जाता है। इसके बाद यदि हम इमेज को मैग्निफाई करना चाहते हैं, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्निफाई करना चाहते हैं तो हम डिफर टाइम के इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। तो सपोज एक लेंस को एज ए मैग्निफायर यूज किया जाए या उसके बाद हम माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिफरेंट टाइप के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं। तो लेंस के लिए हम बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंटेड बाय M। अगर इमेज को ऑब्जेक्ट के इमेज को मैं मैग्निफाई करना चाहता हूं तो वो हमारे पास होगा M = V/U। ये मैग्निफिकेशन फार्मूला जब हमने मिरर के लिए यूज किया था तो इसका फार्मूला था -V/U। लेंस के लिए इसका फार्मूला होता है V/U। V और U विद साइन कन्वेंशन लिए जाएंगे और यदि हम इसको फोकल लेंथ और V की फॉर्म में लेते हैं तो इट बिकम्स F - V/F। If V and U are given, then M = V/U, and if V and F are given, then it becomes F - V/F. And in case of F and U, it becomes F/F+U. ये होता है लीनियर मैग्निफिकेशन
ऑफ लेंस। तो इनमें से दो जो भी डाटा हमारे पास गिवन होता है उसको हम यूज कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी और कॉनकेव लेंस के लिए भी, केवल साइन का डिफरेंस होता है, फॉर्मूला सेम रहते हैं। आफ्टर दैट पावर ऑफ लेंस, इधर ही लिख लेते हैं पावर ऑफ लेंस रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, बट फोकल लेंथ शुड बी यूज्ड इन मीटर। आप फोकल लेंथ को मीटर में ही यूज करेंगे। पावर इक्वल टू वन अपॉन एफ, एफ इज यूज्ड इन मीटर। एंड अगर इस तरह से देखा जाए तो इसकी यूनिट मीटर इनवर्स वन होनी चाहिए, लेकिन इसको हम डायोप्टर में यूज करते हैं। पावर ऑफ लेंस की यूनिट डायोप्टर होती है, कैपिटल डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज पावर ऑफ एनी लेंस। फोकल लेंथ यदि पॉजिटिव होगी तो पावर पॉजिटिव होगी, फोकल लेंथ निगेटिव होगी तो पावर निगेटिव होती है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो फोकल कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होगी, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है तो पावर कॉनकेव लेंस की निगेटिव होती है। इसी तरीके से यदि हम एक से ज्यादा लेंसेज को कंबाइंड करते हैं तो उनकी आती है कंबाइंड फोकल लेंथ। कंबाइंड फोकल लेंथ भी होती है, कंबाइंड पावर भी होती है। सपोज दो लेंस कंबाइंड है तो उन कंबाइंड लेंस की पावर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, ये एक लेंस है हमारे पास, ये दूसरा लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकल लेंथ एफ वन, फोकल लेंथ एफ टू, देन टोटल फोकल लेंथ सपोज कैपिटल है, इट शुड बी इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू। दिस इज कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। और हमने यहां देखा है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज पावर, तो कैपिटल एफ रिप्रेजेंट्स कंबाइंड फोकल लेंथ। तो पी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कंबाइंड पावर, कंबाइंड पावर ऑफ लेंस। अगर दो लेंस इस सिचुएशन में कंबाइंड हो एक दूसरे से टच करते हुए, व्हेन लेंसेज आर इन कॉन्टेक्ट, तो उनकी पावर को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एफ वन फोकल लेंथ वाले लेंस की पावर हम पी वन ले लेते हैं और इसकी पावर को हम पी टू ले लेते हैं। तो वन अपॉन कैपिटल एफ इज पी, वन अपॉन एफ वन पी वन, वन अपॉन एफ टू पी टू। सपोज इनमें से एक लेंस कॉन्वेक्स और दूसरा लेंस कॉनकेव होता तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर सपोज पी वन कॉन्वेक्स है तो ये पॉजिटिव होती, और पी टू यदि कॉनकेव होता तो ये निगेटिव होती। तो टोटल पावर पी वन प्लस पी टू ही रहेगी। यदि लेंसेज कुछ डिस्टेंसेज में होते हैं, सपोज ये लेंस जस्ट कॉन्टेक्ट में ना होकर कुछ डिस्टेंस पे होता, एफ टू फोकल लेंथ डी डिस्टेंस, डी डिस्टेंस पे यदि होगा तो उस सिचुएशन में कंबाइंड फोकल लेंथ होगी वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू माइनस डी अपॉन एफ वन एफ टू। दिस इज कंबाइंड फोकल लेंथ, डी इन दोनों लेंसेज का सेपरेशन। इस केस में टोटल पावर पी इट शुड बी वन अपॉन एफ वन पी वन, वन अपॉन एफ टू पी टू, माइनस डी वन अपॉन एफ वन अपॉन एफ टू पी वन पी टू। यदि लेंसेज कुछ डिस्टेंस पर होंगे तो टोटल पावर पी वन प्लस पी टू माइनस डी पी वन पी टू को रिप्रेजेंट करता है। यदि
एक से ज्यादा लेंसेज एक साथ रखे हुए हैं तो उनका टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ मोर देन वन लेंसेज ये होना चाहिए कैपिटल M इक्वल टू M1 इंटू M2 इंटू M3 एंड सो वेयर M1 M2 M3 लेंसेज के लीनियर मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक से ज्यादा लेंसेज हमारे पास है तो टोटल मैग्निफिकेशन उनके इंडिविजुअल लीनियर मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको लेंस रिलेटेड जो भी फॉर्मूला पॉसिबल हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने में यूज होंगे, जो लर्न करने में हमारे को इजी पड़ेगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक वीडियो में टोटल फॉर्मूलाज को दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में प्रिज्म की प्रॉपर्टीज और उसके फॉर्मूला को मैं डिस्कस करूंगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।